अच्छा, बर्गर और आम और ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से तमीज़ से नहीं खाई जा सकती, तो इसलिए अगर आपको कुछ मैसी लगे तो आई एम सो सॉरी। हेलो, अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल हैं दोस्तों, ठीक ठाक हैं आप? आवारा गर्द की एक और एपिसोड के साथ मैं आसिम आपके साथ हूँ। अच्छा, आज हम एम्पोरियम मॉल का जो फूड कोर्ट एरिया है उसको विजिट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ का कैसा माहौल है, क्या खाने में मिलता है और कैसा मिलता है। तो चलें फिर फूड कोर्ट एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। एम्पोरियम मॉल में फूड कोर्ट एरिया थर्ड फ्लोर पे है, जहाँ खानों की बहुत ऑप्शंस हैं। अच्छा, बच्चों के लिए गेम्स की भी ऑप्शंस हैं, मूवी थिएटर है यहाँ पे। तो मेरे लिए तो ये फ्लोर जो है, ये फुल टाइम जो है वो फन प्लेस है। एम्पोरियम मॉल में हमारे पास खाने में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और अगर आप इसको पैकेजेस मॉल के फूड एरिया के साथ कंपेयर करें तो एम्पोरियम का जो फूड एरिया है वो बड़ा भी है, खानों की ऑप्शंस भी ज्यादा हैं, और यहाँ का माहौल भी थोड़ा ज्यादा लाइव है और एक्टिव है। यहाँ पर इंटरनेशनल फूड चेन में मैकडॉनल्ड, पापा जॉन्स, केएफसी, हार्डीज, फैट बर्गर और पिज्जा हट वगैरह शामिल है, जिनमें आपके पास बर्गर और पिज्जा वगैरह की काफी ऑप्शंस मिल जाती है। बिग माइस भी है, जिनका इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको 50s की कार की थीम के ऊपर डिजाइन किया गया है। अच्छा, बिग माइस के खाने भी बहुत लजीज हैं, स्टेक्स इनके स्पेशली बहुत मजेदार हैं, लेकिन इसके अंदर पिज्जाज और बर्गर्स वगैरह भी शामिल हैं। मेरे साथ चलोगे? आ जाओ फिर। अच्छा, मैंने उसे कहा है मेरे साथ चलोगे, तो उसने कहा हाँ। अच्छा, ये सबसे ज्यादा ये लविंग है। देसी खानों में यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर, बारबेक्यू टुनाइट, देसी प्लैटर्स, बॉम्बे चपाती, जॉनी एंड जुगनू वगैरह शामिल हैं, जिनके पास देसी खानों की बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मिडल ईस्ट की भी बहुत सारी कोजीन्स अवेलेबल हैं, जिनके पास मंदी की बहुत डिफरेंट वैरायटीज अवेलेबल हैं, और बहुत सारे मिडल ईस्ट की जो प्लैटर्स मिलते हैं वो भी अवेलेबल हैं। हमारा प्लान ये था कि सबसे पहले हम खानों की जितनी ऑप्शंस हैं उनको विजिट करेंगे, और फिर उसमें से हम कुछ खानों की ऑप्शन चूज करेंगे और उसका फीडबैक जो है वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो बच्चों ने जो है वो मैकडॉनल्ड चूज किया, और हमने हाउडी का बर्गर जो है वो चूज किया। बस अभी हम इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। क्या हाल है जी आप दोस्तों का? ठीक ठाक है। ये हम हाउडी पहुंच चुके हैं जी, तो ये इनका अंदर किचन एरिया है, और ये आपके सामने जो हैं ये डॉक्टर्स जो हैं ये डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो बना रहे हैं। तो इनका बर्गर बड़ा आला है यार, तो लेट्स ट्राई, देखते हैं कि कौन सा वाला लेते हैं, लेट्स ट्राई। अच्छा, इनका काफ़ी बड़ा मज़ेदार जो है ना वो हाउडी का सेटअप है यहाँ पर एम्पोरियम के अंदर, और इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो बारबेक्यू टुनाइट है, उनके पास बारबेक्यू की बड़ी अच्छी ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, ये आपके पास जो है ये फुल टाइम नीचे फूड एरिया की ऑप्शन है, यहाँ ये ओपन एरिया है, साइडों के ऊपर जो है वो सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है वो फैमिलीज जो हैं उन्होंने अपने अपने प्राइवेटली टेबल्स लिए हुए हैं और यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं।
अच्छा, इसी फ्लोर के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो किड्स एरिया भी है, जहाँ पे बच्चों की गेम्स वेम्स हैं, राइड्स हैं सारी की सारी, और साथ आपके पास थिएटर एरिया भी है जहाँ पे आपके पास मूवीज़ की ऑप्शंस भी हैं। अरे वाह वाह। अच्छा, ये हमारे पास हाउडी की ऑप्शंस हैं। अच्छा, स्टार्ट में तो यहाँ पे आपके पास एपिटाइजर्स हैं, ठीक है, लेकिन अंदर वाले पेज के ऊपर जो है वो आपके पास सारी बर्गर की ऑप्शंस हैं। अच्छा, इनके नाम बड़े मज़ेदार हैं, जैसे ये देखें, ये बुलडोजर, सन ऑफ अ बन, ये इसके ऊपर जो है ये आपके पास डैशर, बैशर, मैशर, कैशर ये काफ़ी इनके पास भाई बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। तो लेट्स सी इसमें से इनका कौन सा वाला ट्राई करते हैं। ऐसे इनके बर्गर्स जो हैं वो हैं तो बहुत स्पेशल। क्या हाल है आपके, क्या नाम है? असद। असद, हमने वैसे सन ऑफ अ बन खाया हुआ है पहले, तो इस दफा हमें कोई आप बताओ कि कौन सा वाला ट्राई करें। सन ऑफ बन जो था वो बीफ था ना? जी बीफ था। वो बीफ था, हाँ, तो उसी ही लेवल का और कौन सा वाला है? सर, अच्छा, बुलडोजर के अंदर जो है वो आपके पास टू ऑप्शंस हैं, टू ऑप्शंस हैं, फ्राइड एग या एलापिनो चीज़, या फ्राइड एग के साथ हैं या एलापिनो चीज़ पैटीज के साथ हैं। ठीक है यार, ये वाला है, ये अच्छा, असद भाई ने रिकमेंड किया है। वैसे हम इससे पहले जैसे सन ऑफ अ बन जो है वो खा चुके हैं, ये काफ़ी मज़ेदार था, तो अभी असद भाई की रिकमेंडेशन ये है कि यार बुलडोजर ट्राई कर लें। 20 मिनट्स में सर्व हो जाएगा। थैंक यू बेटा। ये जब मैकडॉनल्ड्स की दूसरी साइड में नहीं होता तो आप टोमेटो केचप लें, उसे खोलें और फिर आपकी इधर सारी सॉस लग जाएगी, फिर आपका एक और एक्स्ट्रा सॉस आ जाएगी। लेट्स ट्राई। इसकी पैटी बहुत सॉफ्ट है और इसकी सॉस भी बहुत डिलिशियस है। ये देखें, ये देखें, लेट्स ट्राई। ये क्या है मेरे अंदर से? यही क्योंकि मैं सॉस नहीं लगाती तो डिफरेंट होगा थोड़ा सा। बैटी सॉफ्ट है अंदर से, बाहर से है थोड़ी सी हार्ड। ये देखें, फुल पार्टी हो रही है कैबेज की। बर्गर तो मेरे लव है। अरे माशाल्लाह। हाँ जी, ये हमारा हाउडी का जो बुलडोज़र है वो आ चुका है। वजन है वैसे बुलडोज़र ही, और ये काफ़ी हैवी है, ठीक है। अरे वाह वाह, अरे वाह 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 यार, बहुत आला। अच्छा, ये इनकी मज़ेदार बात है, आपको पूरी लेयर्स में जो है वो आपको इसकी तह बताए, मेरे ख्याल से 4 से 5 लेयर्स हैं। मैं आपको ज़रा इसको अंदर से दिखाता हूँ कि इसका क्या सीन है। ये आप देखें, ठीक है, इसकी ये जो पैटी है, ठीक है, मीट पैटी है, इसके साथ एक 3 पैटीज़ हैं। एक आपको ये पैटी मिल रही है, ठीक है, इसके अंदर एक और पैटी है, फिर एक और पैटी है, और फिर उसके अंदर उन्होंने जो है वो जो आपके सैलड्स और वो चीज़ें जो है, तो ओवरऑल इवन इसका जो आपका ये बन है, ठीक है, वो भी बड़ा सॉफ्ट है, ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हो तो इसका बड़ा सॉफ्ट है। तो ओवरऑल आपको ये बड़ा लोडेड सा लग रहा है, ठीक है, मीन शायद मैं भी सेपरेटली सॉस की भी ज़रूरत ना पड़े। लेट मी ट्राई, ठीक है, मैं आपको इसकी एक बाइट लेके देखता हूँ। अच्छा, बर्गर और आम और ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से तमीज़ से नहीं खाई जा सकती, तो इसलिए अगर आपको कुछ मैसी लगे तो आई एम सो सॉरी, लेकिन ये है कि अरे वाह 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 वाह। अच्छा, इसकी जो आपको तीनों लेयर्स मिल रही हैं, 3 लेयर्स ऑफ पैटीज हैं, फिर उसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, इनका बन भी बड़ा सॉफ्ट है। इसकी जब आप बाइट ले रहे हो तो इसके अंदर बड़ी एक सॉल्टी सी और 2-3 टेस्ट हैं जो बेसिकली आपको, जिसके अंदर चीज़ जो है उसका अपना एक टेस्ट आ रहा है, इनकी जो सॉस है उसका अपना टेस्ट है, और जो ये आप देख रहे हो ये मेरे ख्याल से बीफ है, ठीक है, और बीफ जो है उसकी जो उसका जो कीमे है वो भी बहुत ज़रा थिक सा है, उसका बड़ा अच्छा जो है वो जब आप च्यू करते हो तो उसका बड़ा अच्छा आपको टेस्ट आता है, बहुत जूसी है,
ठीक है, ये पूरी एक चीज़ की पैटी है, ये जो है ये पूरी चीज़ की पैटी है, और फिर इसके बाद एक और जो है इसके अंदर जो है उन्होंने मीट जो है वो ऐड किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप थोड़े से ये फ्राइज़ ऐड कर दें, और फ्राइज़ के ऊपर ये है थोड़ा सा आप केचप जो है वो ऐड कर लें। ओ वाह वाह वाह, और ये आपकी जो है एक सही बुलडोज़र बाइट जो है ना, ये आपकी तब बनेगी यार। ये बहुत ज़्यादा है, फुल रिच ऑफ टेस्ट है और फुल ऑफ मीट है, और जो सबसे ज़्यादा मज़ा कर रहा है ना वो इसकी चीज़ का पैटी है। जो चीज़ का पैटी जो है वो उसकी बड़ी एक बड़ी सॉफ्ट सी और बड़ी क्रीमी सी जो है उसकी वो फील आ रही है। तो ओवरऑल जो है वो बड़ा हैवी है, और टेस्ट में भी बड़ा रिच है, ठीक है। और मीट जो है वो नॉर्मली आपको बर्गर्स वगैरह के अंदर जो है वो मीट ज़्यादा आपको बन का टेस्ट आ रहा होता है, लेकिन इसके अंदर बन का बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा। इनका बन भी जो है वो भी बहुत सॉफ्ट है, जैसे मैंने आपको दिखाया, लेकिन यह है कि ये मीट जो है उसका सबसे ज़्यादा टेस्ट जो है वो मीट का आ रहा है, और मीट के साथ जो है वो जो चीज़ है उसका बहुत अच्छा जो है वो मिक्स हो रहा है। ये देखें, ये आपको ये पूरा का पूरा जो है चीज़ और मीट जो है वो सारे जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। और लेट मी चेक अनदर बाइट। लिटरली मैंने आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बर्गर्स, लेकिन हाउडी जो है ये मेरे ख़्याल से आपको जो बर्गर लवर्स नहीं भी हैं उनके लिए ये बेस्ट एक ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर आपको वो सारे टेस्ट मिलेंगे जो बेसिकली आपके टेस्ट बड्स चाहते हैं। यार बड़ा मज़ा आया बिन हाउडी बर्गर का, और जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट बात लगी बर्गर की वो ये था कि एक तो बीफ़ का बड़ा जूसी सा टेक्सचर था, और सेकेंडली हर चीज़ का डिफरेंट टेस्ट आ रहा था। जैसे एलोपिनो जो पैटी थी, चीज़ पैटी, उसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आ रहा था, बीफ़ का अलग टेस्ट आ रहा था, उसका बन का अलग टेस्ट आ रहा था, और जितनी भी चीज़ें थी उन सब का जो था वो सेपरेट सेपरेट टेस्ट आ रहा था, जिसको मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा था। वरना नॉर्मली होता क्या है कि जब आप कहीं से भी बर्गर खाते हैं तो उसका एक ही जैसा एक 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 न्यूट्रल सा एक टेस्ट होता है जो पूरे बर्गर का। तो इसकी बेस्ट बात ये थी कि हर चीज़ का एक सेपरेट टेस्ट था। आई इन्जॉयड अ लॉट, सीरियसली बड़ा मज़ा आया, बड़ा मैंने एक तो फीलिंग भी था, टेस्ट भी बड़ा अच्छा था, और बड़ा रज के मैंने खाया, सही रज के। तो अब बर्गर के बाद ज़रा क्यों ना थोड़ा सा मीठा हो जाए, तो आ जाए आपको मीठा ट्राई करवाते हैं, आ जाए। अच्छा, ये आइस कर्ल जो है वो हमारा आ चुका है, और हमने बेसिकली किट कैट और ओरियो के साथ बनवाया है, ठीक है। तो मैं ये आपके साथ ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। लेट मी चेक, अरे वाह वाह वाह, पहले ईसा को ट्राई करवा लेते हैं। लेट मी चेक विद अरूष। गुड, मैं अभी आपको साथ ट्राई करके दिखाता हूँ। यार ये एक नई नई अंग्रेज़ चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। हम बेचारे पुराने बाबे जो हैं, हम कुल्फियाँ खाने वाले, तो अभी एक नई चीज़ आ गई है, लेट्स ट्राई।
यार गेम तो है, बड़ा अच्छा है। जैसे आपने देखा उसने ओरियो और किटकैट को उसने जो क्रश किया है, तो बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आ रहा है, बड़ा रिच टेस्ट आ रहा है। गुड, अच्छा है यार, गुड यार। अगर आपके पास पैसे हों तो ये आप खा सकते हैं। तो ये था हमारा एम्पोरियम का फूड ट्रिप, होपफुली आपने इंजॉय किया होगा। हमने आपको इसका पूरा एक विजुअल ट्रिप कराया और आपको बताया कि यार क्या मज़े की चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगी कि यार मैंने क्या खाना है और क्या नहीं। तो इस नोट के ऊपर हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में, किसी और आवारागर्दी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।